भरतपुर में देर रात डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सेवर थाना क्षेत्र के गांव धनोता के पास एक गाड़ी को अवैध शराब के साथ नकाबंदी के दौरान पकड़ा गया, जिससे 53 पेटी अवैध देसी शराब को बरामद किया है। साथ ही दो आरोपियों को डीएसटी टीम ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि डीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि एक लग्जरी गाड़ी में अवैध शराब की सप्लाई की जा रही है। सूचना पर डीएसटी टीम ने सेवर थाना पुलिस के साथ मिलकर नकाबंदी कराई और गांव धनोता के पास गाड़ी को पकड़ लिया। पुलिस ने गाड़ी से 53 पेटी अवैध देसी शराब और किया सलोट्स गाड़ी को जब्त किया है। साथ ही आरोपी हिम्मत और प्रेम सिंह को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी अवैध शराब के बड़े तस्कर हैं और लंबे स्तर पे इनके द्वारा अवैध शराब की तस्करी की जाती है। फिलहाल डीएसटी पुलिस और सेवर थाना पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान भी बड़े खुलासे होने की अंदेशा जताया जा रहा है। आज रात्रि में हमारी जिला की डीएसटी टीम द्वारा सूचना दी गई और उनके द्वारा एक शराब तस्कर को किया सेल्टोस गाड़ी सहित पकड़ा, जिसमें 53 पेटियां देशी शराब की मंदरा पकड़ी गई है। उनमें दो लोग बैठे हुए थे, एक तो हिम्मत सिंह और एक सुरेंद्र सिंह, जिनसे पूछताछ की जा रही है और डीएसटी टीम के खिलाफ पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है।